नवाबों का शहर पिलखवा। ना नवाब है सब। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। तो आज हमारा रूटीन अब चालू हुआ है। और कितना टाइम हो रहा है रमन, देख के बताइए कितना टाइम हो रहा है। मुझे देखना है। 3:30 3:30 बज रहे हैं और हमारा रूटीन अब चालू हुआ है, क्योंकि आज संडे है और जिया जी की छुट्टी है। बहुत ठंड हो रही है बाहर, बारिश भी हो रही है और आज तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और मैं आज जा रही हूँ अपने घर, क्योंकि बहुत देर दिन हो गए मुझे यहाँ पड़े पड़े, है नहीं। तो आज भी कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रही हूँ मैं तो मम्मी का फ़ोन आया कि आजा, बहुत दिन हो गए, मतलब दिन क्या एक हफ्ता हुआ है। तो फिर भी मतलब मम्मी पे वहाँ काम ना हो रहा ना। आंटी का फ़ोन आया, आंटी नू करी न, तेरी मम्मी का फ़ोन आया नू करी मुझसे, मतलब हमारी रोटी भी 3 बजे बनी है, मुझसे बन न रहा, मतलब मेरे तो पेट में तरस आ रहा, तो जा रही है दर्द हो रहा कमर में मम्मी के। मम्मी कह रही कि कमर में मुझे दर्द हो रहा, और उमा होगी तो उमा रोटी बना लेती। मन की अच्छी है, वैसे तो मैं कम चोटती हूँ, मैं काम ना करती। और अब मैं काम कर लगी, अब मेरी याद कैसे आ गई। मैं कह रही आंटी, मन की मेरी याद कैसे आ गई, मैं तो कम चोटी में तो कुछ काम ना करती हूँ। आंटी कह रही ना, मैंने तो कही तेरी मम्मी से ना, वो तो कुछ करती भी ना ना। अभी आई उसकी याद, अब पता चले कि वो कितना काम करा है। हाँ वो पोचा लगा दे, वो रोटी बना दे, तो सारा तो हो गई है पता। मतलब इंसान के, जब इंसान चला जाता है ना तब उसकी कदर होती है, और जब सामने होता है ना, हमारे पास होता है हमें, तब उसकी कदर नहीं होती। जब हमारे से दूर चला जाता है ना, तब पता चलता है कि उसकी क्या अहमियत है। तो मेरी ऐसी होती है, मैं अगर आंटी का चली जाऊँ, मतलब मेरी मौसी का चली जाऊँ, और मैं रमा का जाऊँ या कहीं भी आ जाऊँ, तो मम्मी को तब पता चलती है मेरी अहमियत का, कि मैं आखिर क्या चीज़ हूँ, क्या क्या घर में करती हूँ। और अगर उनके पास ही रहूँ तो क्या है कि कम चोटती। चलो ठीक है, घर में तो सब डांटते ही रहना है ना। तो रमा बताइए, प्यार है सर नहीं सूखा, बहुत ये नहा के आई। और कल मैंने सिर धोया तो मेरा सिर यूँ ही सूख गया बहुत जल्दी, क्योंकि मेरे बहुत सॉफ्ट बाल हो गए ना मामा अर्थ लगा के इसके नहीं सूखे, और ये ऐसी लेटी थी। अब चाय बनाई है जिया जी ने, हमने चाय का ऑर्डर दे दिया जिया जी को। पहले तो मैंने बनाने रख दी थी, पानी दूध चाय पत्ती चीनी सब मैंने डाल दी, फिर मैंने जिया जी को ऑर्डर दे दिया। मैंने कहा तुम बनाओ, तुम बनाओ देखो क्या, बस खड़े रहे। हाँ बस खड़े, सारा तो मैंने डाला, पानी रखा, दूध डाला, चीनी चाय पत्ती सब मैंने डाली, और बस मैंने उनको खड़े वहाँ रखने चले गए कि तुम यहाँ पे खड़े रहो, इसके सामने कहीं निकल ना जाए, मैं यहाँ बेड पे बैठी हूँ। तो अब चलो उन्होंने बना दी, अब वो कर कर के ला रहे हैं, मतलब सर्व कर लिया हमारे लिए, तो यही ठीक है। और बताओ, बस सारी एक साथ ही बनाते हैं। तो डुग्गू क्या कह रहा है मुझे, क्या कह रहा है डुग्गू, हैं? मैं ऐसे व्लॉग में मैं ऐसा बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ? फोन में कैसा बोल रही हूँ मैं? हेलो गाइस, अभी ना हेलो गाइस, चाय पी लो, लो रख ले अपनी चाय, झूठी झूठी चाय पिला रहा लोंडिया। कह दे मेरी मौसी की वीडियो लाइक करो, कहियो कहियो डुग्गू, कह दो बेटी डुग्गू गुड बॉय। मेरे पोता में लाइक करो, मेरे प्रेम में लाइक करो। क्या क्या करो? और तो चाय पी लो ले। सही से बोल, क्या कही है? एज वो उमा दीदी की वीडियो लाइक करो, उमा दीदी की लाइक करो वीडियो तो अब हम चाय पियेंगे, उसके बाद मैं अब घर जाऊंगी, ठीक है? तो देखते हैं किस टाइम, अभी तो 3 बजे रहे ना, तो देखते हैं किस टाइम पहुंचती हूँ मैं घर पे, और पहुंचती हूँ या नहीं पहुंचती ये भी देख लेंगे लग तो रही नहीं चाय क्यों जाऊंगी मैं आज चाय ना दूध है। देखो जीजा हमारे
चाय बना के लाए हमारे लिए, एक गिलास मेरे लिए। डुगू उधर देख, हेलो बोलो। हेलो। ओए सोते उठते हेलो। और कुछ डुगू? अब सुन ना रहा, इसे देखो रमा को, रमैया देख, ओवन चला दी उसमें पकौड़ी रखी है सब जल्दी। रमा काम ही बताती रहा भाई ना। कितनी सुंदर आई रमा तो। ओह थैंक यू की बात है। इतनी सुंदर मैं क्या करूँ, ज़्यादा सुंदर भी ना तो देख, मेरा कैमरा ही अच्छा है। तो जिया जी के हाथ की चाय, नहीं मेरे हाथ की चाय, और यहाँ पकौड़ी, कैसी पकौड़ी है, ओवन में गर्म कर दी, जला दिया चाय। सब खाओ। चेस चेस चेस, एंजॉय द टी। बता नवाबों का शहर कौन सा है? बताबा। जिनका लोग देख रहे थे। बताबा। किसका? बस पता सता है ना, वो वही 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 कौन सा पापा बता। हड्डियों आग से निकल लिया। अरे आग सर्दियों पर हो जाओ। दिमाग से निकल गया पर होता। बता जल्दी, तुम बताइयो, बता। नवाब का नवाब का नवाबपुर ना वो है, अरे याद नहीं आ रहा मामा। चल एक आध वो तो हैदराबाद है। हैदराबाद नवाबों का शहर हैदराबाद है। नवाबों का शहर पिलखवा ना, नवाब है सब। ये सही है, नवाबों का शहर आस है पिलखवा, क्योंकि हम नवाब हैं। मेरी मादू मेरी पादू पादू इधर देख के पाद, इधर इधर आ, ये इन्हें पाद दिया। तो मैं जा रही हूँ, मैंने तैयार हो चुकी हूँ मैं अपने, मतलब जैकेट वैकेट पहन के, जैकेट ही पहनी है मैंने, सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत देर से बोल रही हूँ रमा को और जया जी को कि मुझे छोड़ आए, छोड़ आए, तो मुझे छोड़ के ही ना रहे, कह दें हैं सब ठीक हो रही। तो देखिए मेरा डुग्गू क्या कर रहा है, डुग्गू क्या कर रहे हो? किला। ओह कितना छोटा बेबी काम कर रहा। डुग्गू और मेरा बेटा कैसे छिल्लो, डुगू काम करता है भैया। देखो भाई डुगू का नया बैग आया है, डुगू दिखा रहा है, कैसे दिखाइयो ऐसे बोल के, गाइस मेरा न्यू बैग देखो, सही से बोल ना। हाय हाय देखो इसका भैया नया बैग देख लो, ये कह रहा है मुझसे कि मेरा छोटा भीम है डुगू, छोटा भीम, ये कह रहा है मेरा नया बैग तो दिखा दो। घर आ चुकी हूँ और भैया मैं घर बहुत देर हो गई वैसे तो मुझे घर आए हुए को, पर मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था। 7 बज रहे हैं, मैं कितने बजाई थी मैंने टाइम नहीं देखा, पर अब 7 बज रहे हैं और मेरे घर मैं इतनी मन आवाज़ धीरे से इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे घर मेरे ताऊ, मेरे ताऊ का लड़का दोनों आए हैं और मैं गलत आ चुकी हूँ, मैं गलत आई हूँ यहाँ पे, मैं
कल आ जाती। ऐसा नहीं है कि मतलब वो आ गए तो मुझे यहाँ परेशानी हो कि वो क्यों आ गए, नहीं। लेकिन मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब यार मैं कल आ जाती, मैं भूल, मतलब मैंने वो ना देखा कि मैंने सोचा मम्मी अकेली है, पापा देख रहे मुझे, तो मैं व्लॉग कहीं एंड नहीं यही कर रही हूँ, कोई बोल नहीं रहा, सब शांत है। तो मैं देखा बाहर सब बैठे हैं लेकिन सब शांत है क्योंकि